जो कांग्रेस मुक्त कहती थी वो कांग्रेस एक एक करके भाई एक एक करके प्यार मोहब्बत से कांग्रेस मुक्त की बात करती थी वो कांग्रेस युक्त हो गई। एक सेकंड प्रोफेसर साहब शांत भाई, देखिए ऐसा है नवल जी, यदि कांग्रेस के लिए इतनी आपके मन में सद्भावना है ना, तो पप्पू यादव को क्यों टिकट नहीं दिया आपने? पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया, पप्पू काट दिया और आप दे दीजिए ना, आप दे दीजिए ना, आप तो इंतजार करते रहते हैं, आप दे दीजिए माइक बोल जाते हैं अश्विनी चौबे को, क्यों नहीं दिया उनके विषय पे बोल। अब सुनिए दस जी, देखिए एक मानसिकता कांग्रेस में जरूर है, मैं खुद कांग्रेस में रहा हूं, कांग्रेस में यह है कि जो मोदी को सबसे ज्यादा गाली देगा और जो सनातन और भारत का सबसे ज्यादा अपमान करेगा वो आगे जाएगा, जिसको स्वीकार नहीं है वो लोग आ रहे हैं और जिनको स्वीकार है वो आपके साथ खड़े हैं। अब सुन लीजिए ना राजेश गुप्ता, राजेश गुप्ता राजेश गुप्ता कहना है कि जब कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो सब देखो एक ही लाइन दे रहे हैं, वो तो जो दे दी गई है वो बोल रहे हैं, लेकिन सनातन को गाली देने में संजय निषाद जी भी तो हैं भाई, है ना? जवाब देता संजय निषाद जी जो कहते हैं क्या खीर खाने से बच्चे होते हैं, उनको आपने अपनी पार्टी में किस सनातन की बात हो रही है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ राजेश भाई, आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, सनातन की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि नवरात्र के महीने में नवरात्र के दिनों में खास तौर पर मछली का वीडियो दिखाना उसको डालना ये चिढ़ाने वाली बात है, ये मुगल भी ऐसे ही करते थे। अच्छा मैंने एक संजय निषाद जी के लिए कह दिया, एक जार राजभर जी के लिए कह देता हूँ, वो भी आपके सहयोगी हैं, जो कहते थे बंदरों ने किसके लिए लड़ा, बंदरों को ना मकान मिला ना खाना मिला, बंदरों को क्या फायदा हुआ, राम की लड़ाई थी वो तो, है ना? ये इन्होंने कहा। दिनेश शर्मा जी जो आप ही के पार्टी के उप मुख्यमंत्री यूपी के, जिन्होंने कहा सीता माता तो टेस्ट ट्यूब बेबी है, उन्होंने ही कहा, मैंने तो नहीं कहा, ठीक है ना? जब ऐसे लोग आपकी पार्टी के अंदर है, आप ही की पार्टी के एमएलए कहते हैं कि हनुमान जी तो जाट थे, दूसरे कहते हैं आपके एमएलसी नहीं नहीं वो तो मुस्लिम थे, ये सब लोग आपकी पार्टी में सर ऑन रिकॉर्ड है, ये बच्चे देख सकते हैं, देख के आपने सर जो सवाल करा, देखिए मैं आपके सामने कह सकता हूँ हम लोग प्याज भी नहीं खाते, ठीक है? मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी काम, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, ऐसा कोई भी काम किसी नेता को कम से कम कभी नहीं करना चाहिए कि किसी को कोई दुख, किसी भी धर्म का। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है। मुगल से कैसे जोड़ा प्रधानमंत्री मोदी ने, फिर मैं आपसे बात जवाब लूंगा प्रोफेसर साहब इसका। देखिए मुगल भी तो वही करते थे ना, केवल मंदिर तोड़ते नहीं थे परंतु जिस प्रकार से वो सनातन का अपमान करने के लिए उसको सीढ़ियों पर तामीर करते थे ताकि उसके ऊपर चलकर जाया जा सके। और मैं इनसे पूछा जाता हूँ, इन्होंने मटन मांस मछली तो छोड़ दीजिए, इन्होंने तो गौ माता का चारा भी खा लिया है, ये तो गौ माता। मैं जो भी आपने नाम लिया ना, मैं सबका खंडन करता हूँ, आप अरविंद केजरीवाल का खंडन कीजिए, उन्होंने कहा नानी ने कहा था कि बाबरी को तोड़कर बनाई गई है, कभी नहीं जाना, बोलिए खंडन कीजिए, मैंने सबका खंडन किया, आप खंडन कीजिए, आप खंडन कीजिए। केजरीवाल देश के वो मुख्यमंत्री है जो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे मनीष सिसोदिया कहते हैं वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो, समय नहीं है, प्रोफेसर साहब की बारी है, प्रोफेसर साहब की बारी है, प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं उन्होंने कहा चारा खा गए। अरे भाई तुमने, अरे लालू इतना प्यारा नजर आ रहा है कि चारा भी नहीं नजर आ रहा है, बताइए लालू प्यारा तो नहीं दिखे, ठीक है? अब आगे 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 आगे, ओके ओके, जवाब जवाब। जो लोग पूरे नवल किशोर जी पर ये वीडियो डालने की आवश्यकता कहती, सावन में मांस और नवरात्रों में मछली, देखिए ये देश की संस्कृति तो है नहीं, अभी जा चुका है कि आपका बुद्धि टेस्टिंग था, लेकिन सही बात ये है कि जो देश में एक एक जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी भाईचारा छोड़ है, दूसरे के विषय में दुष्प्रचार करने के लिए जाननी आती है, आज के डेट में गली का एक एक लोग जान रहा है कि ये चंदा चोर है, चंदा चोर में भी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, ये सर्टिफाइड चोर बोल रहे दूसरों को चोर, लेकिन ये आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए डाला गया था, आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए वीडियो डाला गया था, पूरे देश में चोर चोर मौसेरी भाई भाजपा के पास, आपका आईक्यू टेस्ट करने के लिए डाला गया था, बेचने वाली कंपनियों से पैसा लिया कि नहीं, पता चल गया ना, एक एक करके इनसे पूछिए कि नवल किशोर जी क्या श्रावण में आप मटन खाते हैं, आप खुद खाते क्या? अरे आप खुद खाते क्या? बताइए अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहा, आईक्यू अपना चेक कीजिए, अपना आईक्यू चेक कर लीजिए, अपना आईक्यू चेक कर लीजिए, आप बताइए 17 साल में कितना नौकरी दिए बिहार में, मुद्दे पे बात कीजिए। अच्छा आप बता दीजिए 17 महीने में 5 लाख नौकरी दी, 17 साल की सरकार ने कितना दिया आपने, लालू जी के 15 साल की सरकार ने कितना दिया, करो खान पान अपना बेटा बोल रहा है कि बात क्यों नहीं कर पा, मैंने कर दिया, उसने बताइए ना आप पॉलिटिक्स क्या, ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली, इसके मायने क्या है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्पष्ट संदेश है कि अगर आप किसी को नवरात्र में, सावन में और किसी ऐसे महीने में, पाक महीने में भारत की संस्कृति को चिढ़ाएंगे तो एक नेता का, राष्ट्रनेता का दायित्व तो बनता है कि उसके खिलाफ वो जवाब दे। रही बात तेजस्वी यादव जी किसका आईक्यू चेक कर रहे थे नहीं कर रहे थे, उनका मसला है, उनकी पार्टी का कितना आईक्यू है बिहार जानता है और देश जानता है।
आइए एक ऐसे मौके पर लोकतंत्र में 2024 का चुनाव है जो सबसे बड़ा चीज है कि राष्ट्र एक ऐसे मजबूत नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि भारत में जब दुनिया को कोरोना के समय वैक्सीन की जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया को बचाया, पैरासीटामोल तक दिया और वैक्सीन भेजा, वो भारत है आज के दिन में। वो भारत नहीं है कि भारत कुछ बनाने के लायक नहीं था। अच्छा, एक ऑन अ लाइटर नोट, मेक इन इंडिया में सबसे ज्यादा लाइटर नोट, अच्छा आप सब चुनाव के माहौल के अंदर फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, फिल्म वगैरह देख पाते हैं कि नहीं देख पाते चुनाव के माहौल? तो जनता को सीधा ही देख, अभी तो जनता को देख रहे हैं। मैंने एक देखी है। कौन सी? चोर मचाए शोर। ये इसमें भी आप राजनीति को लेके आ गए। गाना सुना है, चोर चोर मौसेरा भाई। चलिए देखिए, ऐसा नौवीं फेल आईक्यू टेस्ट ले रहा है, अब बताइए नौवीं। चलिए चलिए, लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है, आप सबसे भी और आप सबसे भी, अभी एक फिल्म आई है बड़े मियां छोटे मियां, मौका मिले तो देखिए, सुना है बहुत अच्छी है, सुना है बहुत अच्छी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आके देख के आइए, एक फिल्म आई है, और भी बड़ी सारी फिल्म अवेलेबल है तो OTT प्लेटफॉर्म पे वो देखिए, क्यों कम से कम थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल रहे इस गर्मी के मौसम के अंदर, राजनीति तो चलती रहेगी। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम के आप भाग बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।